इकरा के दीवाने हैं आप जी? पक्के हैं सर भाई, पक्के हैं, जान लगा देंगे बिल्कुल उसके ऊपर, जान खो देंगे बड़ी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कालू है। कालू जी, किस समाज से आप? समार हूँ अभी। तो इकरा पे जान दे दोगे? जी पक्के बिल्कुल, मेरे दोस्त खड़े सारे यहाँ खड़े, बाप भी खड़ा सारा। एक वोट डलवाओगे इनसे? जी पक्के वोट दूंगा, जवा गला दूंगा सबको। एक वोट खोले धोखे से खो लेके जाऊंगा। क्या लेके जाओगे? धोखे से? नहीं धोखे से मिलूंगा, ऐसा वोट करोगे ले जाऊंगा। पकड़ के ले जाओगे? हाँ जी। क्या जो बीजेपी की सरकार इकरा को हरा देगी, प्रदीप चौधरी हरा देंगे? हम इस बात को जानते हैं, इस बारे में जानते हैं। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था, जब हमारे घर वाले इलेक्शन लड़ दी, उगम सिंह को क्यों हरा दिया भाई हमने? पूरा ओबीसी समाज इकरा चौधरी को पसंद करता है? नहीं करता। बात वहाँ जा रही है, छोटी मोटी बात पर खेलेंगे हम कहीं। कहाँ जा रही बात? जी जहाँ जो बात चाली में हम सारी सुने इन बारे में। हम जो है जो मरे बैठे ना, बाप बैठा मारा देखो बड़ा सामने बड़ा जी, हम खुद लेकर चले, हम खुद जान खो देंगे बिल्कुल। और इकरा भी को भी इकरा को बिल्कुल दबा का सपोर्ट हो रहा है। कच्चा बोला, कच्चा नहीं खेलना, पक्का खेलना, पक्का मैं खेल लो, छोटो में नहीं खेलता मैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो मतलब जो है मजबूत है इकरा, दबा के पक्का है। आप बताइए इकरा में दम है कुछ थोड़ा घना? हाँ जी, नहीं दम है जी बहुत ज्यादा। आपका नाम क्या? नीटू कुमार। नीटू कुमार, आपकी कास्ट भी, बिरादरी भी अच्छी खासी होगी यहाँ पे? नहीं, हाँ जी चमार बहुत है, काफी चमार बहुत है जी। तो इकरा को पसंद करते हो तुम? हाँ जी करते हैं पसंद। मायावती से आएंगे तो पक्की, तो मायावती है मैन तो। मायावती अगर सपोर्ट करती है इकरा को तो कैसा करोगे? नहीं फिर तो जी जान से लड़ेंगे जी। जी जान से बिल्कुल पक्की बात, बिल्कुल पक्की है जी। प्रधान जी है, इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिधर ये वोट कहेंगे उधर जाएगा, वही वोट जाएगा, वोट भी नहीं सकता। अगर प्रधान जी किधर वोट दिलवाओगे? गठबंधन को बस हुक्म दे दिया ना, हुक्म दे दिया, इसकी बात सुन ली मैंने इसको। तो मतलब नहीं, लोगों से मिलने वाले कैंडिडेट तो उसका विधानसभा में पता लग गया था। उनकी एक खासियत, उनकी एक खासियत यह है कि वे नंगले में चुनाव लड़ने वोट मांगने गए थे, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी थे, एक तरफ इसके प्रत्याशी थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला बीजेपी वाले जो हमारी तरफ आएगी पहले तो हम तुझे वोट देंगे। उन्होंने बोला अगर जो मेरी तरफ आएगी तो मैं तुम्हें वोट दूंगा। उनने 20 सड़क में बैठ कर वही टेबल लगा ली नाश्ते की, मैं दोनों तरफ हूँ, अब आपका साथ चाहिए। ये बात तुमसे बताई किसने? इतने दूर रहते हो यार, इतने हमारे घर का संबंध है ना वहाँ से, शौकीन प्रधान। अच्छा, शौकीन प्रधान ने बीच में टेबल लगा ली, सड़क टेबल लगाई सड़क के दोनों के बीच में, दोनों के बीच तो में आप पता लगा के लीडर मजबूत है, लीडर मजबूत है, समझदार है, समझदार है। और जी लंदन से पड़ी हुई दिखे जहाँ तक उम्मीद है, मंडल सस्ता होगा अब तो। ओ जी तेजी भड़क रही बतेरी, तेजी तेजी भड़क रही बतेरी। कितने का हो रहा मंडल? अजी तो हो रहा बीड़ी घटकते जाए मंडल 10 रुपए का, बीड़ी आधी कर दी उसमें। अच्छा जी, तो फिर तो मजा आ रहा तुम्हारा। मजा क्या आ रहा, बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तुम्हारा। इसमें गवर्नमेंट ने ऐलान करा था कि 14 दिन में आपका पेमेंट दिया जाएगा, करा था नहीं करा था आपको सबको मालूम होगा, विधानसभा में गवर्नमेंट ने ऐलान करा था। आज आप मेल में भी जाते हो, आप रास्ते में आपको बहुत लोग मिलते हैं, किसी से आपने भी पूछा होगा, ये भी है सैनी साहब है, ये भी एक किसान है, इनसे पता कर लेना, आज तक हमारा इस साल का एक दिन का पेमेंट नहीं आया। अच्छा इनसे पूछते हैं, बीजेपी वाले लोग हैं, एक उनका भी मुखालफत में जाता हूं। ये बताओ बीजेपी कह रहे हैं गन्ना पेमेंट नहीं देती किसानों को, आप दिलाओगे नहीं दिलाओगे? गन्ना पेमेंट मिल रहा है, गन्ना पेमेंट मिल रहा है, गन्ना पेमेंट तो परेशान है जी। 5 साल 24 भाजपा ही रहेगी, 5 साल ना। हाँ ये हकीकत है जी, पक्के कैंडिडेट है जी भाजपा के, भाजपा ही रहेंगे। पेमेंट खत्म हो जा रहा है इनका, पेमेंट खत्म, लेकिन भाजपा को छोड़ने वाला नहीं है। क्या साल भाजपा के है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पद है आपको जी? हाँ शेठपाल सैनी जी। अच्छा ये वजह क्या है, ये लोगों की समस्या क्यों है कि भाई गन्ना पेमेंट, आप भी मान रहे कि गन्ना पेमेंट जो है वाकई हो नहीं रहा? ये छकी हुई सरकार है, इसे मजदूरों को कुछ पता नहीं, कमी है, छकी हुई सरकार है, ऐसे मजदूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए गरीबों का पैसा नहीं आता। समय बात का मतलब बीजेपी के हो, बीजेपी की मुखालफत, वो क्या कर रहा जी, मुखालफत नहीं है, सच है वो। जो मालिक गरीब, जो गरीब है, गरीब आदमी है, उसका अगर काशकार का पैसा आएगा तो काम चलेगा, नहीं तो कहाँ से चलेगा काम? कहाँ से? नहीं खेती का तो खेती से के हिसाब से चलेगा जी, 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 जी। वैसे थोड़ी चलेगा उसका जी, जी। तो वोट से तो सरकार को बनाया जाता है, तो फिर वोट किधर जाएगा? वो तो बीजेपी को या फिर बीजेपी को? वोट बीजेपी को जाएगा जी, वोट बीजेपी को जाएगा, ये पक्की है। ये थे कि यहाँ पर हम कुछ जिम्मेदार लोगों के पास थे और गाँव में जो है अच्छे तमाम समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे बैठक पर।
तो ये पता यहाँ से लगा है कि गांव में मोहब्बत प्यार का मामला है, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। ये बहुत बड़ा भारत का लोकतंत्र है और ये मजबूत है क्योंकि हर सर्व समाज का आदमी अपनी यहाँ राय रख सकता है खुलकर। अभी देखोगे हर समाज का आदमी यहाँ पर था, इन्होंने अपनी राय रखी खुलकर, कौन लोकसभा का मजबूत